चलो अब यार अगला हमारा टॉपिक है इनर्शियल ट्रांजिशन और करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, इनर्शियल ट्रांजिशंस देखते हैं। एंड रिस्टिक्स एक्सरेज। ठीक है, अब इनर्शियल ट्रांजिशन क्या है कि हमने जो पहले पढ़ी हुई है ना वो हम अभी तक आउटर शेल ट्रांजिशन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आउटर शेल ट्रांजिशन क्या है, हमने जो पीछे पढ़ा है कहानी उसके अंदर हमने आपको कहा था कि बोहर का मॉडल जो है वो चलता भी है नहीं भी चलता, क्योंकि वो किस कौन सा है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे वो मॉडल बेस करता है। ठीक है, अब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या था इसको बताएंगे रूल्स फिर। अच्छा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या था कि हमारे पास उसके पास इसके गिर्द शेल है, किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे पहले ऑर्बिट में लाई कर रहा है जिसका नाम है KLM। वो यहाँ से उठता है, ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, तो जब वो ऊपर जाता है तो एनर्जी लेता है और जब वो नीचे आता है तो एनर्जी देता है, और जब वो एनर्जी देता है तो उस इस नाम है इसके अंदर से क्या निकलता है, एक फोटोन। ठीक है, और वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब हमें पता था कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, जो पहले ऑर्बिट की कितनी है कम से कम एनर्जी, हाँ कितनी थी, और पहले ऑर्बिट की एनर्जी घर जाके लेक्चर पढ़ लिया करो, पहले की एनर्जी थी 1-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरे की कितनी थी, कैलकुलेटर निकालो जरा, यही बनती थी कैलकुलेटर पे है कितनी है, तो कैलकुलेट कर ले गधे मोबाइल पे, इतना तो साइंटिस्ट नहीं बना। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे अगले की 9 पे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उससे अगले की 0.85। ठीक है, और अगर मैं आखिरी की बात करूंगा, आखिरी है 0 आ जाएगा, आखिरी आखिरी 0 इसलिए आएगा क्योंकि आखिरी शेल कितने नंबर पे होगा, इन्फिनिटी पर, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, नहीं समझ आया तो ये देख लो, ज्यादा अक्लमंद लोगों ये है, ऐसे लिखेंगे इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी, तो इधर क्या बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले इधर खाता क्लियर करवा दे, नहीं तो भाई क्या, नहीं दे दू नहीं, इधर जमा करवा जल्दी कर, दे के जाऊंगा नहीं, इधर करवा, तूने मजाक बनाया हुआ, दो दो दिन छुट्टियां कर लेता है, पढ़ना तो पढ़, नहीं पढ़ना छुट्टी कर, होने दे रिकॉर्ड, अजीब आदमी है, ड्रामा इसका होता है, अगले दिन आऊंगा अगले दिन गायब जनाब साहब, बता इसको कितना इसका टोटल, हाँ तो दो दिन करवा, कितना बनता है जल्दी जमा करवा, दो छुट्टियां की हैं, कल आया तू, परसों आया, परसों ही आया था, नहीं आया परसों, चल जमा करवा, कितना है ये जैसे ले जितना बनता है, नेक्स्ट टाइम अगले दिन अपना फाइन लेके आया करो, मजाक बनाया हुआ, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना छुट्टी करो। अच्छा भाई अब इधर देखो, ये अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी लेवल की एनर्जी। अच्छा, और अगर मैं इनके वो रेडियस कैलकुलेट करूं तो पहला कहां पर बनेगा, आर वन कहां पर बनेगा, 0.053 नैनोमीटर, दरवाजा खोला यार 0.053 मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे, 4 करो यार, हाँ मल्टीप्लाई बाय 4, 0.212 नैनोमीटर। ठीक है, रेडियस बढ़ता जाएगा,
और आखिरी का क्या होगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा, तो वो इन्फिनिटी का मतलब है लामहदूद हो जाएगा, हाँ एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, अब जरा इसी चीज को देखो कि अगर मैं इधर इनर्जीज को लिखना चाहूँ तो ये जो इनर्जीज हैं, ये इनर्जी गैप्स हैं, ये हमारे पास ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी, मैं सपोज कर लेता हूँ जो हमारे पास ये पहला ऑर्बिट है वो इस जगह, इसकी एनर्जी क्या है, बल्कि हम इधर एक एनर्जी लाइन ही लगा लेते हैं, ये हमारे पास है जी पहला ऑर्बिट, ये है जी हमारे पास न्यूक्लियस लेवल, ये पहला ऑर्बिट है जी, इसकी एनर्जी कितनी है E1, जो किसके बराबर है -13.6 eV। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से इसको माइनस करना है। क्या आप मुझे बताओ 13.6 और 3.4 और इसके बाद 1.15 इनके दरमियान का डिफरेंस यूनिफॉर्म आ रहा है या कम होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि पहली लाइन यहां पर बनेगी, इसे ऊपर वाली कहां बनेगी, इससे थोड़े कम फासले पर, इससे ऊपर वाली, इससे थोड़े, इससे ऊपर वाली, इससे ऊपर थर वाली, ऐसे बनेंगी ये लाइंस, समझ आ रही है? क्योंकि पहली का डिफरेंस ज्यादा है, ये तो अपना आ गया ना ग्राउंड लेवल, ये पहली है, ये हमारे पास है जी पहला ऑर्बिट की एनर्जी, ये दूसरे की, ये तीसरे की, जैसे ऊपर आप कह लो कि एनर्जी बढ़ती जा रही है, और ये ऑर्बिट्स नंबर है E1, E2, E3, E4 और ये चलते जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई एनर्जी लेवल। अब मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज हमारा ये इसमें था, तो इसका नाम क्या पहले ऑर्बिट का, N, ऐसे ही बनता है। अब मुझे बताओ मैक्सिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन जो एक फोटोन है वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी इमिट कर सकता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी कर सकता है? देखो फोटोन एनर्जी कब इमिट करता है, हमने कहा था जो फोटोन की एनर्जी है इज इक्वल टू HF, वो बराबर है किसी में गया और किसी में आया, यही बनता है। अगर P की वैल्यू हो यहां पर 1, P की 1 हो तो कौन सी सीरीज बनती है, लाइमन, लाइमन सीरीज कहां पर लाई करती है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, अगर P की वैल्यू हो 2 तो कौन सी सीरीज आ सकती है, हाँ तो कौन सी सीरीज का नाम मैं पूछ रहा हूँ, बाल्मर और विजिबल बनता है। इसका मतलब है कि विजिबल की ज्यादा ताकत है या अल्ट्रावायलेट की, अल्ट्रावायलेट की। लो जी ये ग्राफ भी इधर बना लेते हैं, सबसे पहले इधर कौन आ जाएगा, रेडियो, माइक्रो, IR, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और गामा रेज, यही बनते हैं। अब ये चीज बड़े ध्यान से समझ लो क्योंकि आगे फिर समझ नहीं आनी। अच्छा ये जो हमारे पास है अल्ट्रावायलेट, आपका इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां पर जा सकता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कहां पर जा सकता है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, शैल शैल यहां पर इंफिनिटी तक, कहां तक जा सकता है, इनफिनिटी तक। इसका मतलब है आपका शैल मैक्सिमम इनफिनिटी पे जा सकता है, इनफिनिटी से बाहर जाते वो क्या हो जाता है, फ्री, क्योंकि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कितनी देनी होती है, आपने पहले शैल जितनी, उसके बाद उसका काम तमाम हो जाता है। अब अगर मैं कहूं इनफिनिटी तक और मैक्सिमम वो आ किस में सकता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम सबसे पहले वाले में, के में, तो इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आ रहा है, लेट्स सपोज ये इन्फिनिटी वाला अगर आ है, या इधर हम ड्रा कर लेते हैं ये एनर्जी इन्फिनिटी वाली है जो कि जीरो होगी, यहाँ से आ रहा है और वो पहले में आ सकता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होगी या इन्फिनिटी से दूसरे में आएगा तो उसमें होगी, या तीसरे में, या चौथे में, या इसमें, या ऐसे, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में आ सकती है, पहले वाले, सबसे ज़्यादा पहले वाले में आ सकती है, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी लाइन है उतना एनर्जी डिफरेंस है, और जितना एनर्जी ज्यादा डिफरेंस देगी उतनी ज्यादा एनर्जी का क्या मिलेगा हमें, फोटोन मिलेगा। लेकिन अगर आप गौर करो इस कहानी पे, तो इस कहानी के मुताबिक तो सबसे पहली कौन सी बनती है, लाइमन, और लाइमन के मुताबिक रीजन कौन सा बनता है, अल्ट्रावायलेट। मैं अब लाइमन का यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, लाइमन का फार्मूला क्या था, 1/λ = RH 1/ पी स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 1/N स्क्वायर। ठीक है,
अब मैक्सिमम ये कितनी दे सकता है, मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगी जब दूसरे से आएगा, और मिनिमम वेवलेंथ कब आएगी? मिनिमम मैक्सिमम नहीं समझ आ रहा तो ये फार्मूला देख लो, E इज इक्वल टू एच एफ एंड E आल्सो इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। लैम्डा मिनिमम तो एनर्जी मैक्सिमम, उल्टा है तो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, और अगर लैम्डा मिनिमम है तो एनर्जी, क्योंकि लैम्डा मिनिमम यहां पर आएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। इस चीज को समझो, वन ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, अगर तो मैं कहूं मैक्सिमम तो मैक्सिमम के लिए मैं इधर क्या पुट करूंगा, लैम्डा मैक्सिमम करना तो क्या पुट करूंगा, टू पुट करूंगा। वन ओवर वन माइनस वन ओवर टू क्या बचेगा, वन ओवर टू, तो क्या बचेगा आर एच ओवर, हाँ ये भी सही कह रहा है, वन ओवर फोर हो जाएगा, वन ओवर फोर, वन माइनस वन ओवर फोर क्या बचेगा थ्री ओवर फोर, तो क्या बचेगा प्लस में यही बनेगा। तो ये कौन सी आएगी, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम, और मिनिमम के लिए क्या जुगाड़ बनेगा, आर एच बनेगा, यही बनेगा। अच्छा ये मैक्सिमम के लिए आ जाएगा, ये सॉरी मिनिमम के लिए आ जाएगा और ये मैक्सिमम। अगर आपको इधर से लैम्डास मिल जाते हैं तो क्या आप इधर से उनको पुट करके एनर्जीज निकाल सकते हो? इसका मतलब है कि आप इस शेल की, इस फोटोन की एनर्जी भी निकाल सकते हो, मिनिमम वाले की भी और मैक्सिमम वाले की भी, और बाकी की एनर्जी जो इससे पीछे वाली सीरीज है वो दूसरे में लाई करेगी, और हमें पता उसकी एनर्जी क्या होगी, अल्ट्रावायलेट से कम होगी ज्यादा होगी, काम होगी, क्यों, क्योंकि जो एनर्जी लाए ना वो इस तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इससे पीछे हम इधर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हम इस पूरे बोहर की पूरी कहानी से हम मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, तो फिर ये एक्सरे कहां से बन रही है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगी, शेल्स है ना, इनर शेल नाम लिखा था मैंने, तो फिर ये एक्सरे कहां से बन रही है, क्योंकि मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं, अल्ट्रावायलेट तक। अब एक्सरेज भी तो बनानी है, एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनकी भी क्या होती है, इज इक्वल टू एच एफ, और अगर उनका इज इक्वल टू एच एफ होता है तो इसका मतलब है कि उनकी कोई ना कोई क्या होती है, एनर्जी, और बोहर की थ्योरी के मुताबिक मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, अल्ट्रावायलेट, तो फिर ये क्या होगा, तो क्योंकि बोहर का मॉडल फेल होने की एक वजह यह भी बनी थोड़ी सी कि ये मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट तक जा रहा है, तो ये दूसरा ये था कि ये सिस्टम कौन सा था, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाए तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन तो अल्ट्रावायलेट पे जाके क्या दे देती है, जवाब दे देती है, तो फिर मल्टीपल में क्या जुगाड़ लगाया जाए, तो मल्टीपल पे एक नया सीन बनाया उन्होंने, कहा मल्टीपल के अंदर जो एनर्जी का फार्मूला जो हमने कल लिखा था वो वैसे क्या लिखा था, किसी को याद है, ई इज इक्वल टू, हमने ई एन जनरल फार्मूला लिखा था, ई एन इज इक्वल टू किसके मतलब बराबर था, माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। एक नया सिस्टम लगा दिया उन्होंने, साथ क्या लिख दिया, जेड स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर क्या है, ये जेड स्क्वायर इंडिकेट करेगा आपका एनर्जी लेवल फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। लेट्स सपोज आप इधर जेड की, जेड इज द एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर होता है ना, केमिस्ट्री वालों को पता होगा, जेड इज द मैक्सिमम कितने एटॉमिक नंबर, 118 एलिमेंट है, 118 एटॉमिक नंबर है ना आपका, पीरियोडिक टेबल किसके लिहाज से बना हुआ है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। इसका मतलब है कि अगर मैं पहले के लिए पुट करूं जेड की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, वन, तो फिर सिस्टम कौन किस में चला जाएगा, पहला एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन पे फार्मूला ये सूटेबल बनता है। लेकिन अगर मैं इधर पुट करूं कार्बन का, कार्बन का कितना है, 6, कार्बन का कितना है, 6, याद नहीं है पहले में तो दूसरे में, 4, 18वां चैप्टर पूरा इस पे गाड़ दिया हमने और अभी तक तुम्हें पता ही नहीं लगा कार्बन का कितना है, 6, 6 का क्या हो जाएगा, 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 13.6, तो जवाब आएगा 13.6 से बड़ा। इसका मतलब है कि अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी पहले ऑर्बिट की, मैं इधर पहले ऑर्बिट की लिखता हूँ, तो ई वन की वैल्यू जरा मुझे निकाल के दो, कर भी मोटे, 36 जरब 13.6 डिवाइडेड बाई 1, हाँ जी 489.1 पे करेंगे ना, तो ये आ जाएगा, ये कौन से ऑर्बिट की आएगी, पहले की, दूसरे की जरा निकाल लो,
फोर पे किधर है टू वाला? ओ जहाज स्केयर है। हाँ तू स्नैपचैट खोल के बैठ गया होगा, स्ट्रीक भेज दे, मेंशन कर दिया। अच्छा तो ये आ जाएगी दूसरे की, इसका मतलब है कि वो एनर्जी 13 थी मैक्सिमम, लेकिन अगर आप इनका एनर्जी डिफरेंस देखो, वो तो कब एनर्जी डिफरेंस था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कब जब कहां से आ रहा होगा इन्फिनिटी से, किस में? पहले में। लेकिन ये कौन से क्या है? ये दूसरे से पहले का एनर्जी डिफरेंस है। और अगर आप इसको जरा कैलकुलेट मारो तो -122 में से आप 489 को उड़ाओ कितना बनेगा देख। इसको आप प्लस कर दो ना, प्लस में आएगा ना आंसर। आपने 489 में से 122.4 बनाए हैं। तू भी जुबानी तुक्के ना मारा कर। 366 ये देखो कितनी वैल्यू है और वो कितनी थी, वो कहां तक जा रही थी मैक्सिमम 13। तो वो फार्मूला हमारे पास हाइड्रोजन पे तो सूटेबल, ये फार्मूला भी सूटेबल है, वो भी सूटेबल है, क्योंकि वन वैल्यू आ जाएगी वो ही आ जाएगा। लेकिन जब हम बड़े एलिमेंट्स पे बात करते हैं तो वो हमारा सिस्टम उस पर नहीं टिकता, क्योंकि उनके एनर्जी लेवल्स बड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है। वहां पर एक केमिस्ट्री में आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती, बल्कि क्या बनना शुरू हो जाता है। वहां पर कौन सा प्रिंसिपल लगता है? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। क्या आप उनको हायर ऑर्डर के मुताबिक अरेंज करते हो तो वो सारे प्रिंसिपल लगने शुरू हो जाते हैं, तो उसके मुताबिक फिर ये वाला फार्मूला बनता है। इसका मतलब है कि अगर अब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी की बजाय कहाँ से चला जाए पहले में, दूसरे से ही पहले में चला जाए, तो इतना एनर्जी डिफरेंस मिलना है, और इतना एनर्जी डिफरेंस मेरे ख्याल से इस फार्मूले के मुताबिक हमारी एक्सरेज की वेवलेंथ में जा सकते हैं। उसने कहा सर एक्सरेज की कितनी होती है? एक्सरेज की रेंज हमारे पास बनती है, अभी तो एक्सरेज शुरू ही नहीं किया हमने टॉपिक, एक्सरेज की जो रेंज है वो है 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक, और यही हमारे पास आपके पास जितने भी ये हैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स उनके अंदर जो जो डिस्टेंस होता है वो इंटरप्लेनेट स्पेसिंग वो यही होती है तकरीबन। इसलिए एक्सरेज क्या करती हैं, सिर्फ उन पे डाइफ्रेक्शन शो करती हैं। अब एक्सरेज की थोड़ी सी हिस्ट्री बढ़ाता हूँ फिर हम इसके अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, अभी टॉपिक नहीं शुरू हुआ ठीक है। क्या पता है वो एक साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ पता नहीं था, फिर उसने इसका नाम ऐसे रख दिया, फिर उसके बारे में ठीक है। वो मोटी मोटी बात थी, विलियम रोंटेजन एक बंदा था 1895 में पंगे करते हुए, इसको एक रेज मिल गई, वो रेज इसे कैसे मिली, जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक ट्यूब के अंदर, इसने एक ट्यूब के अंदर इधर से ठीक है सॉरी ये पॉजिटिव। अच्छा तो इधर से हमारे पास रेज आई, इन रेज के नतीजे में एक नए से फोटोन निकले, जो रेज निकली वो जो रेज थी इसे ये भी नहीं पता था कि ये रेज क्या है, ये वाली रेज, क्योंकि ये रेज तब तक दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो वो रेज असल में जो कैथोड से रेज निकलती उनका नाम क्या होता है? कैथोड रेज। वो बाद में पता चला था वो रेज तो होती नहीं है, वो क्या होते हैं? अल्ट्रा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसे ये भी नहीं पता था, इसे ये पता लग गया कि यहाँ से कोई क्या निकली है, रेज निकली है, और ये रेज बड़ी हाई एनर्जी रखती हैं। अब ये नहीं पता था क्या नाम, एक्सरे नाम रख दिया। अब ये रेज आम रेज की तरह रिफ्लेक्शन भी कर सकती थी, डाइफ्रेक्शन भी कर सकती थी, लेकिन डाइफ्रेक्शन कब करती हैं ये भी नहीं पता था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट बाद में हुआ। लेकिन ये इसे पता था कि ये जो रेज है ये आपके मिरर में से पास हो जाती हैं। अब जो लाइट है वो भी एक रेज है, लेकिन वो मिरर से पास क्या होती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन ये मिरर से क्या हो रही थी, पास हो रही थी। फिर सॉफ्ट टिश्यूज जो आपके बॉडी के होते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, गोश्त को क्या कहते हो, मसल से पास हो जाती थी। तो
ये वाली सारी चीजें हो रही थी, तो इसे ये नहीं पता था। फिर इससे बाद में जाकर पता लगा जब उसकी वो थ्योरी को मैच किया गया जो 1600 कुछ में 1700 कुछ में दी थी मैक्सवेल ने, तो वहां से पता चला ये कौन सी रेज है, ये एक्स रेज है और ये मेंबर है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, यानी कि पूरे स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। अब इनकी ये बनती कैसे है ये देखना था। उसने कहा सर ये बनती है, पहला इसे ही मिला था, पहला नोबेल प्राइज इसे मिला, 1900 में शुरू हुआ था ना, तो पहला नोबेल प्राइज इसी को मिला फिजिक्स में। अच्छा तो अब होगा क्या, ये बनेंगी कैसे, जरा ये देखना हमने, ठीक है। हाँ अब टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि वो जो सारी कहानी थी ना उसमें आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कैसे करते थे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कैसे करते थे कि आपका इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा है, अब इसको एनर्जी दो, इसको एनर्जी दो, इसका जब आप एनर्जी दोगे तो ये अपने लोअर ऑर्बिट को छोड़ के, क्योंकि ये इसमें नहीं रह सकता बोहर के मुताबिक, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये कम एनर्जी वाले में नहीं रहेगा, ये यहां से उड़ेगा और जिस लेवल के आपने एनर्जी देगी ये उसमें पहुंच जाएगा। अगर तो आपने इसे अभी आप इसे दो तरह से एनर्जी दे सकते हो, एक यहां तो इसको फोटोन मारो, फोटोन मीन लाइट का पार्टिकल जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, या इसे क्या मारो हाईली फास्ट मूविंग क्या मारो इलेक्ट्रॉन मारो, यानी कि इसके जैसा पार्टिकल मारो तब भी ये एनर्जी ले लेगा, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, और यहाँ से क्या मारो फोटोन, फोटोन मारोगे तो फोटोन मारने के बाद क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और अपनी एनर्जी से देकर खुद छुमंतर हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा ये, इलेक्ट्रॉन मारोगे कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा एटम को क्या कर देगा एक्साइट, और इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल ऑर्बिट को छोड़ के उस एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाएगा जिसकी एनर्जी डिफरेंस आपने प्रोवाइड की थी एनर्जी को, ऐसे ही होगा। और जब वो वहां से वापस आएगा तो फिर वो अपनी वो जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी, तीन थी, पांच थी, रीजन तीन थे, तीन आईआर में लाई करते थे, एक विजिबल में था और एक अल्ट्रा वायलेट में था, उस रीजन की क्या निकालेगा अपने अंदर से फोटॉन्स, जिनका फार्मूला क्या होगा इज इक्वल टू एच एफ, जो बराबर होगी इनके एनर्जी के डिफरेंस के, जो कि बोहर का कौन सा पास्टुलेट है, तीसरा पास्टुलेट। अब हमारी कहानी ये थी कि हमारा मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट में लाई करता, तो हमने एक नया फार्मूला बना लिया जिसके मुताबिक ये हुआ। अब इस फार्मूले के मुताबिक ये जो ट्रांजिशन है ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो इसको ही मिलती है, जो बाहर बाहर पड़ा है उसको मिलती है, वो हायर में जाता है, हायर से लोअर में आता है और एनर्जी को क्या, लेकिन जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इनर शेल ट्रांजिशन, कौन सा इनर शेल ट्रांजिशन, जरा वो देखना है, क्योंकि वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन इधर होगा लेट्स सपोज ये बाहर पड़ा है, इसको आकर किसी ने पंगाबाजी की इसके साथ तो ये क्या करेगा, इधर से उठेगा और किसी हायर में चला जाएगा, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी इमिट कर देगा, ये है आउटर शेल। लेकिन इनर शेल क्या होगा कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे जो ऑलरेडी शेल अपने क्या होंगे फील्ड होंगे, पहला के है, के में कितने होंगे, अगला एल है, यही बने पहले में दो, अगले में अगले में आठ, अगले में कितने आ जाएंगे, तीन तिया नौ, नौ दुनी अठारह, नंबर ऑफ फार्मूले तुम्हें आते ही नहीं है, टू एन स्क्वायर फार्मूला है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के लिए, एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर एन की वैल्यू पहला शैल है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पहला है वन तो वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू तो दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा कितना हो जाएगा आठ, तीसरा अठारह, तो इसमें कितने होंगे अगले में बत्तीस, तो इस तरह फिर वो चलता जाएगा, ठीक है। अब बत्तीस को अठारह में जमा करो कितना बना, बत्तीस को अठारह में पचास, पचास में आप दस जमा करो कितने बने साठ, तो यहां पर तो साठ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, क्या आपके पास एटॉमिक नंबर सिर्फ साठ है, एक सौ अठारह है, तो इससे ऊपर भी लाई करते हैं, ठीक है शेल्स। अब हमने ये देखना था कि इनर्शियल ट्रांजिशन क्या होगी, इनर्शियल ट्रांजिशन ये होगी कि आपके ये वाले ऑर्बिट सारे क्या होंगे फील्ड होंगे, जब आप एक हाई एनर्जी का क्या फेंकोगे इलेक्ट्रॉन फेंकोगे, वो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, अब आपको ये पता है कि यहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है इनका इनका, जैसे ऊपर जाते हो एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है कम होता जाएगा फार्मूले के मुताबिक एनर्जी डिफरेंस का, तो जो निकलने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी पीछे वाले से ज्यादा होगी कम होगी कम होगी। अब जब आप हाई एनर्जी का क्या फेंकोगे इलेक्ट्रॉन, जब वो आकर से स्ट्राइक करेगा तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा एटम के अंदर पेंट्रेट कर जाएगा,
और जब वो पेनिट्रेट करेगा तो वो ये हो सकता है कि वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कर दे, जाके टक्कर मारे। और जब वो टक्कर मारेगा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका लेट्स सपोज के में एक इलेक्ट्रॉन मस्त पड़ा है, जिंदगी गुजार रहा है, ये इधर से बाहर आया आप में से कोई और बंदा, उसके इलेक्ट्रॉन ने मारी धुर टक्कर, ठीक है। जब उसे टक्कर मारेगा तो खुद, चूंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी कुछ हिस्सा ट्रांसफर करने के बाद खुद इधर शार्ट हो जाएगा और उसको भी क्या करेगा, अपनी जगह से कहीं और भेज देगा। अब वो क्या करेगा, चूंकि वो न्यूक्लियस की गिरफ्त है उसके ऊपर, तो वो शैल तो शायद ना छोड़े, अगर इतनी एनर्जी आपने ना दी, यानी कि पूरा एटम ना छोड़े, वो ये क्या करेगा, इस शैल से निकल कर किसी और शैल में दफा हो जाएगा। अब ये शैल क्या हो गया, खाली, ऊपर वाले तंग बैठे हुए थे आठ बंदे, वो क्या करेंगे, उनमें से एक बंदा ये करेगा कि वो इस, ये निकल गया, ये क्या बन गया, एक होल, वैकेंसी बन गई खाली, तो ये क्या करेगा, यहां से आएगा, सारी नहीं देगा, स्कैटर हो जाएगा, ठीक है भोई मियां, ये स्कैटर हो जाएगा, खुद निकल जाएगा। यानी कि ये देख लो ना, रेड वाला आया था, ये मैं रेड बना देता हूं इधर, ये रेड वाला आया, टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद इधर निकल गया, ये स्कैटर्ड है, और जो ये है, ये वाला एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं और शार्ट हो गया, और ये किसी हायर ऑर्बिट में निकल जाएगा, क्योंकि ऑर्बिट से ऑर्बिट ऊपर ऑर्बिट बने और कहां तक फैले हुए हैं, इन्फिनिटी तक। ये वैकेंसी खाली है, ये जगह खाली हो जाएगी, तो वो कहेंगे चलो 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 जल्दी से, वो सारे ये करेंगे, क्या होगा, किसी ने म्यूजिकल चेयर खेला है, हाँ म्यूजिकल चेयर खेला है किसी ने, कैसे होता है वो, गाना चला देते हैं, दस बंदे तो कितनी कुर्सियां रख देते हैं, नौ, तो ये वो म्यूजिकल चेयर शुरू हो जाएगी इधर। क्या होगा, इसकी सीट ये मान लेगा, ये खाली हो गया, इसकी सीट इस ऊपर वाला मान लेगा, ऊपर वाला खाली हो जाएगा, उसकी सीट ऊपर वाला मान लेगा। तो जब हर ट्रांजिशन होगी, हर बार एक ट्रांजिशन होगी, तो हर बार क्या निकलने शुरू हो जाएंगे, इनर्जी के फोटॉन्स। अब चूंकि एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, तो सबसे पहले ज्यादा एनर्जी वाला निकलेगा, फिर काम वाला, फिर काम वाला। अब म्यूजिकल चेयर में तो ये लाजमी है कि बिल्कुल साथ वाले को चेयर मिल सकती है, उसे पिछले को भी तो मिल सकती है, तो ये भी तो हो सकता है कि ये वाले भाई साहब अभी ट्राई में हो कि ये निकले और मैं शार्ट हूँ, ये उससे पहले तैयार हो, कौन से वाला, ये के एल और एम वाला, एम वाला दस्ती बगैर किसमें आते हुए लड़ाई करता हुआ काम में आए सीधा, तो एनर्जी डिफरेंस अब उससे क्या है, तो जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इसके बाद इसका मतलब जो फोटोन निकलेगा वो भी कैसा निकलेगा, वो भी हायर एनर्जी वाला निकलेगा। तो जैसे जैसे करेंगे तो इस तरह के, चूंकि अब ये डिफरेंट डिफरेंट निकल रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट की वजह से हर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ मिलेगी। इस स्पेसिफिक वेवलेंथ को हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, क्योंकि हर किसी की क्या होगी, एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक। उसने कहा सर ये फिर डिपेंड किस पे करती है, उसने कहा अगर आप फार्मूला देखो तो अगर एनर्जी के डिफरेंस का फार्मूला था हमारे पास ई, वो यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ई नॉट एम स्क्वायर इंटू जेड। तो ई नॉट सबके लिए सेम है, बोहर ने कह दिया सबके ऑर्बिट, सबके ऑर्बिट सेम है, क्योंकि एन वन होगा सबके लिए, टू होगा सबके लिए, सब में पहला ऑर्बिट होगा फिर ही दूसरा होगा, फिर ही पंखा चला, पंखा चला, जब आठ इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो वो एक यानी कि ना फिल है, फिल है, ठीक है, तो फिर ऊपर वाला उसमें नीचे से कैसे आ सकता है, पिछला निकलेगा, ये डायरेक्ट आएगा इसमें, उसके क्रॉस क्यों, शैल ये थोड़ी ना एक पूरा वो बना हुआ है कि वो एक फ्लोर है उसमें से सीढ़ी गुजर के ही आएगा, शैल ऐसे नहीं बने होते, शैल एक थ्री डायमेंशन में होते हैं, समझ आई, शैल एक न्यूक्लियस के गिर्द एक फुटबॉल की तरह बने होते हैं, कहीं से भी कोई आ जाता है, हाँ कहीं कुछ भी है। अच्छा हम बात क्या कर रहे थे, ये वाली, तो इसका मतलब है ई नोट सबके लिए सेम है, कितना है 13.6, एन सबके लिए सेम है, पहले के लिए वन होगा दूसरे के लिए, फिर ई एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, जेड पे, जेड क्या है, अटोमिक नंबर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर लोहे को यूज करूंगा तो लोहे के लिए जेड और है, टंगस्टन के लिए, निकल के लिए, निकल के लिए और है, सबके लिए और है। इसका मतलब है कि सबकी एनर्जी के जो फोटॉन्स निकलेंगे वो सेम निकलेंगे, डिफरेंट निकलेंगे, डिफरेंट निकलेंगे, क्योंकि देखो ये अगर ये वाला शैल देखो तो इसकी एनर्जी सबके लिए कैसी बननी है, सेम, डिफरेंट, डिफरेंट, क्योंकि जेड डिफरेंट होता जाएगा तो ये एनर्जी और ये एनर्जी भी, जिसका मतलब है जो टंगस्टन के लिए निकलेगा यहां से, क्या वही लोहे के लिए निकलेगा फोटॉन,
डिफरेंट निकलेगा। इसका मतलब है कि एक्सरे करैक्टरिस्टिक एक्सरे आपको वो स्पेक्ट्रम के फिंगरप्रिंट की तरह क्या दे रही है, एक और फिंगरप्रिंट दे रही है। वो फिंगरप्रिंट क्या इंडिकेट कर रहा होगा, आपके पास हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की वैल्यू को शो कर रहा होगा, यानी कि जिसका जिस तरह के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उस तरह के क्या निकलेंगे, फोटॉन्स, और वही फोटोन का स्पेक्ट्रम इंडिकेट क्या कर रहा होगा, फिंगरप्रिंट किसका, कि आपके पास टंगस्टन था, निकल था, कोबाल्ट था, आयरन था, क्या था। ठीक है, समझ आ गई। इस तरह की ये चूंकि ये डिफरेंट है तो इस तरह के हर किसी का क्या होगा, अपना एक करैक्टरिस्टिक होगा, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, करैक्टरिस्टिक एक्सरेज। और चूंकि ये किस वजह से हो रही है, अंदर वाली ट्रांजिशन से, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ेगा, इनर शेल ट्रांजिशन। समझ आ गया। अब हमने देखना एक्सरेज प्रोडक्शन। ठीक है, बात करें। अच्छा क्या हो गया, ये दिखा, इधर बुक दिखा। मैंने सिर्फ ना आपको यहां तक पढ़ाया, ये एक पैरा, ये वाला, ये अभी पढ़ाना है, सिर्फ मैंने आपको ये हिस्सा पढ़ाया। ठीक है, तो ये इन ये करैक्टरिस्टिक एक्सरे आ जाएंगे और जो कि हर एलिमेंट की हायर लेवल के पर स्टडी को इंडिकेट करेंगे, बाकी प्रोडक्शन कंटिन्यूस। सुन लो, प्रोडक्शन और कंटिन्यूस मैंने कल पढ़ाना है यहाँ तक, और साथ ही ये सारा भी पढ़ाना है। ठीक है, और कल सवा दो टाइम है, ये लो बुक अपनी, कल जुमा नहीं पढ़ना तो।